आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे बुजुर्गों और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज आए हैं हम ग्राम सोलदा, जिला मेरठ में, मनोज कुमार जी के यहाँ पर। तो वो हमें ड्रिप इरिगेशन की तकनीक के बारे में बताएंगे। उन्होंने अपने ईक के खेत में ड्रिप इरिगेशन प्लांट लगा रखा है, तो चलिए देखते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो मनोज कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। जी, आपने जो ये ड्रिप इरिगेशन प्लांट लगा रखा है, आप हमारे किसान भाइयों को इसकी जानकारी दें कि ये आपने कौन सी कंपनी का लगवाया है और इसके क्या फायदे हैं। जी, ये इजराइल की कंपनी है, नेटाफिम। अच्छा, नेटाफिम कंपनी का है ये। हाँ जी, हाँ जी। और ये सिस्टम सारा जो है शुगर मिल नगलामल के द्वारा लगवाया गया है। अच्छा अच्छा। और ये 90% सब्सिडी पे लगवाया गया जी। अच्छा, इसमें जो है अगर लगवाएंगे तो ये 90% सब्सिडी है। सब्सिडी केवल 10% मात्र किसान को देना है। अच्छा, 10% देना है जी। तो ये आपने कितने बीघे पे, ये क्या है, कोई मतलब इसका पावर का या क्या क्या हिसाब है इसका? एक हेक्टेयर का खर्चा करीब ये आ रहा है, ये 40-45 करीब। अब हमारा अच्छा, दो हेक्टेयर है ये। अच्छा, आपने दो हेक्टेयर में लगवाया? दो हेक्टेयर में लगवाया। अच्छा, तो इसकी मशीन या मतलब वो उसी हिसाब से, एक हेक्टेयर की छोटी है, दो हेक्टेयर की बड़ी है? हाँ जी, मशीन भी उसी हिसाब से लगी। अच्छा, मतलब सिंगल ही मशीन होती है, ये नहीं कि मतलब दो हेक्टेयर है तो डबल मशीन लगानी पड़े? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो मशीन तो एक ही लगेगी चाहे 4 हेक्टेयर हो। अच्छा अच्छा, मतलब उसकी पावर बढ़ जाएगी। हाँ। अच्छा अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है, आपने बताया कि आपने 2 हेक्टेयर के लिए लगाया है, तो आप इससे जो है कौन सी फसल की सिंचाई कर रहे हैं? अभी तो हम गन्ने की कर रहे हैं जी। अच्छा, गन्ने की कर रहे हैं। गन्ना बोया हुआ 5 फीट पे। अच्छा, 5 फीट दूरी पे गन्ना बोया हुआ? हाँ जी। मतलब जो पौधे से पौधे की दूरी है? हाँ जी, वो 5 फीट है जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अब जैसा कि हम ट्रेडिशनल तरीके से ऐसे खुला छोड़ के पानी लगा रहे थे, और अब हम ड्रिप से लगा रहे हैं, तो इसमें और उसमें आपको क्या बेनिफिट दिखाई दिया? बेनिफिट एक तो पैदावार इसकी बढ़ेगी जरूर। अच्छा अच्छा। हाँ, कम से कम 20-25% पैदावार जरूर बढ़ेगी। अच्छा, 20-25? हाँ, देखने में लग रहा। अच्छा, देखने में ही लग रहा है अभी, मतलब खेतों को देख के लग रहा है। हाँ जी जी। और दूसरा, गन्ना देखो स्वस्थ भी होगा जी। पैदावार तो तभी बढ़ेगा, गन्ना स्वस्थ होगा, मोटा होगा पहले के मुकाबले। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो इसके जो है, इस पानी लगाने से ये जो है जैसे मतलब स्वस्थ होना या पैदावार बढ़ना, उसके क्या कारण होते हैं कि इस पानी में और उस पानी में फ़र्क क्या रह जाता है? देखो, एक तो हम बार बार पानी देते हैं, खाद देते हैं जी, तो जितनी खाद, जितना पानी ज़्यादा देंगे, हमारे पोषक तत्व जमीन में लीच कर जाते हैं, नीचे चले जाएंगे। अच्छा, जो खाद और पोषक तत्व हमारी ज़्यादा पानी देने से, तो ज़्यादा पानी देने से वो नीचे चले जाते हैं। नीचे चले जाते हैं जी, वेस्टेज हो जाते हैं, यानी 50-40% ही पौधे को लग पाते हैं, बाकी तो बेकार। मतलब जितना हमने खाद लगाया उसका जो है 50% जो है लीच कर गया, लीच कर जाएगा नीचे जी, ज़्यादा पानी से। अगर इससे लगाएंगे तो? इससे लगाएंगे तो 100% पौधे को ही मिलेगा। अच्छा, क्योंकि एक एक टपक सिंचाई जो है ये हर पौधे के जड़ पर डल रही है, और केवल 1 एकड़ को 2 घंटे में जो है ये कवर कर देती है। अच्छा, 1 एकड़ जमीन को 2 घंटे में बिल्कुल सिंचाई। अगर हम नॉर्मली अपने 12 की सिंचाई माने तो 1 एकड़ के लिए, 1 एकड़ के लिए 5-6 घंटे लगेंगे, 6 घंटे कम से कम, तो हमारे 4 घंटे का तो पानी बचा। जैसी आज के टाइम लाइट भी बची, लाइट डिम आ रही है। हाँ, या वोल्टेज कम आ रहे हैं, तो पता लगा कि 8-10 घंटे लग गए। हाँ, 8-10 घंटे भी लग जाते हैं गर्मी। आने जाने पर जैसे लगी रहे, आई थोड़ी भाग गई, तो पता लगा कि 10 घंटे भी नहीं पूरा हो रहा है। और ये तो शुरू के 10-15 मिनट में ही सारे पौधों में जाना शुरू हो जाता। अच्छा, हर पौधे में? हर पौधे में 10-15 मिनट के अंदर ही हर पौधे में? हाँ, बिल्कुल लास्ट छोर तक जो है वहाँ टपका गिरना शुरू हो जाता। अच्छा, 10-15 मिनट के चलाने के बाद में ही? हाँ जी। तो ये भी बेनिफिट है। हाँ जी। तो अब सवाल ये उठता है कि जो है आपने कहा 5 फुट पे जो है आपका पौधा है, तो क्या जो पहले हमारा गन्ना निकल रहा था, जब आप पहले 12 से पानी लगा रहे थे, तो कितने क्विंटल बीघे का निकल रहा था उस समय? निकल रहा था 55-60 क्विंटल बीघा। और आज क्या उम्मीद कर रहे हैं? अब हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि 100 के समथिंग। अच्छा, 100 के समथिंग निकलेगा। लेकिन एक चीज, जैसे आपने कहा कि 5 फुट पे हमने बोया। हाँ जी। तो जैसे 5 फुट पे बोया है, तो वो बीज भी कम लगा होगा आपका? हाँ जी, बीज भी कम लगा। पहले आप
लेबर भी कम लगी उसमें। अच्छा, जो जैसे पहले आपने बीज डालते थे आप, हाँ जी, जो पारंपरिक सिंचाई पे, तो आप कितने कुंटल बीघे का बीज डालते थे? उसमें 4 क्विंटल बीघे का लगता था जी। अच्छा, और आपने आप जब डाला है तो? अब डाला है जी 3 क्विंटल बीघे का। अच्छा, आप 3 क्विंटल, तो 1 क्विंटल का यहाँ भी प्रॉफिट? यहाँ भी प्रॉफिट हुआ, और दूसरा फर्टिलाइजर में बचत हुई है। अच्छा, फर्टिलाइजर में? फर्टिलाइजर टैंक इसके अंदर लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो हमें कोई भी फर्टिलाइजर कीटनाशक कोई भी डालना है तो हम अपने टैंक में यहाँ डालेंगे और बटन दबाएंगे, हमारा 2 घंटे में खेत में पहुँच जाएगा, सब कुछ वहाँ पहुँच जाएगा। हाँ। ये नहीं है कि हम स्प्रे मशीन से डाल रहे हैं, कुछ नहीं, या हम हाथ से बखेर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है उसकी। तो कोई मतलब उसमें कोई भी जरूरत नहीं है कि कोई भी चीज़ हम अब वहाँ खेत में डालें। हाँ जी, पहले तो लेबर की वजह से आदमी आलकस कर जाता था, उनको यार कब लेबर नहीं मिल रही, डालेंगे उसमें, लेकिन अब तो ड्रम में घोलना और बटन दबाना बस। दूसरा क्या होता है कि जब पहले मैंने देखा था कि ज़्यादा हमारे ईंख जो है बढ़ गई हैं, हाँ जी, हम उसमें खाद बखेर भी नहीं सकते, हाथ, हाँ, भी नहीं चलेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस ऐसे ही है कि उल्टा सीधा इधर उधर मारा चुटी हुई। इसमें ये चीज़ कामयाब है, इसमें अगर तो आपको कितने बड़े 12 फुट वाले गन्ने में भी लगाना तो आप फिर लगा दो, आप फर्टिलाइजर लगा दो, तो यहाँ से जाएगा और टपक टपक के वहाँ पहुँच जाएगा। बिल्कुल, तो इसकी जो है सारी विशेषताएँ आपने बताई, हाँ जी, और सारी अच्छाइयाँ बताई और पैदावार भी बताई। पैदावार भी ज़्यादा आएगी और खर्च भी कम आएगा जी, और पानी की बचत होगी। अब पिछले 2 महीने से हमने ट्वेल नहीं चलाया। अच्छा अच्छा, जैसे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो 2 महीने से कोई ट्वेल नहीं चलाया। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने इसका एक्सपीरियंस कहा, इसकी जानकारी करी और ये लगाया, अभी आपने सब कुछ इसका देख लिया है, तो आप अब किसान भाइयों से इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ जी, और बहुत ही बढ़िया जो है टेक्निक है ये जी, और आने वाले समय में कामयाब होगी जी। जिस समय पानी की कमी आएगी तो इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो इन्हें अभी से ही अपनाना, अभी से अगर अपनाना शुरू कर दें तो हो सकता है कि पानी की कमी ही ना आए, कमी ही ना आए। हाँ, तो भाई साहब ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब आपका भी धन्यवाद। तो किसान साथियों, अगर ये मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि सबसे पहले मिल सके आपको जानकारी। तो किसान साथियों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।